बनाने के लिए हमें चाहिए 2 कटोरी सूजी, यहाँ पर मैंने बारीक सूजी ले ली है। इसके बाद हमें चाहिए छाछ, यहाँ पर सबसे पहले मैं 2 कटोरी ही छाछ भी डाल रही हूँ। उसके बाद में हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसके बाद इसमें ऐड करेंगे 1.5 चम्मच नमक, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। इसके बाद हम थोड़ी सी और छाछ ऐड करके इसको वापस से मिला लेंगे। अब हम इसको कम से कम आधे घंटे के लिए ढककर छोड़ देंगे। अब हम बनाएंगे अपनी स्टफिंग, जिसके लिए मैंने यहाँ पे ले लिया है 1 बड़ा चम्मच तेल, 1/2 चम्मच जीरा, 1/2 चम्मच ही राई और उसी के साथ कुछ लहसुन की कलियाँ, 1 बारीक कटा हुआ प्याज। अब प्याज को 1 मिनट तक पकाएंगे। उसके बाद में हम इसमें ऐड करेंगे बॉइल्ड आलू, ये 3 बॉइल्ड आलू है, 1 कटा हुआ टमाटर। इसको मिक्स करके अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे मसाले। तो आप टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक ऐड कर सकते हैं। मैं यहाँ पर 1/2 चम्मच नमक ले रही हूँ, 1 पिंच जो है वो मैंने हल्दी ले ली है और 1 ही चुटकी गरम मसाला भी ले लिया है, 1 ही चुटकी मैंने काली मिर्च का पाउडर ले लिया है और 1 बड़ा चम्मच मैंने यहाँ पर ले लिए लाल मिर्च। अब इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेना है। इसके ऊपर हम ऐड करेंगे 1 चम्मच धनिया। अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसके ऊपर ऐड करेंगे हरा धनिया, जिससे ये बहुत ज़्यादा टेस्टी हो जाएगा। तो जो हमारा स्टफिंग है वो बनकर तैयार है। अब मैंने इसको स्टफिंग को ठंडा होने के लिए रख दिया था, तो हम जिसमें इडली बनाने वाले हैं उसी के अकॉर्डिंग हमें इसके अंदर जो है वो टिक्की का शेप बनाना है, वरना क्या है ज़्यादा बड़ी या ज़्यादा छोटी बन जाएगी। तो इसी के अकॉर्डिंग आलू ले लेना है और उसके बाद में देखिए ऐसे टिक्की बनाकर इसकी साइज़ देख लेनी है हमें। इसी साइज़ के हमें सारी टिक्कियाँ बनाकर तैयार कर लेनी है। तब तक हमारी जो वो सूजी है वो 1/2 घंटे पे हमने रखी हुई थी, वो 1/2 घंटा हो चुका है। अब हम देख लेते हैं इसको, ये थोड़ी सी गाढ़ी हो चुकी है। अब हम इसके अंदर वापस से जो है वो थोड़ी सी छाछ ऐड करेंगे, क्योंकि हमें ये थोड़ी सी जो है वो मोटी नहीं चाहिए, हल्की सी इसकी रनिंग कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। और यहाँ पर मैं 1 चम्मच इनो ऐड कर रही हूँ, इनो का जो पैकेट आता है वो। अब इसको हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब आप देखिए हमें कुछ इस तरीके की चाहिए, ना ज़्यादा मोटी ना पतली। अब हम जो इडली ट्रे है इसके अंदर हम अपना ऑयल जो है वो अच्छे से लगा लेंगे। उसके बाद में जो हमारा बैटर है वो हम डाल लेते हैं और जो हमने अभी अभी आलू टिक्की बनाई थी उसको हम इसके सेंटर में प्लेस कर देंगे, यानी कि बीच में इसको रख देंगे और वापस से इसके ऊपर थोड़ी सी इडली डालकर इसको जो है वो अच्छे से कवर कर लेंगे, ठीक इसी तरीके से, क्योंकि इडली को कुछ फूलने की जगह भी चाहिए, इसलिए आप इसको ज़्यादा फिल ना कर दें। तो सारी ट्रे रेडी है। यह है इडली कुकर, जिसके अंदर नीचे हम पानी डाल लेते हैं और इसके बाद में सारी इडली ट्रेस को हम इसके अंदर रख लेते हैं। तो ये कुकर तैयार है। अब तकरीबन जो है इसको हम 15 से 20 मिनट तक मीडियम फ्लेम पर रख चुके हैं। उसके बाद में ये हमारी जो इडली है ये बनकर तैयार हो चुकी है। चाकू से एक बार चेक कर लेंगे, अब देख सकते हैं चाकू जो है एकदम क्लीन बाहर आ रहा है, यानी कि ये पक चुकी है। अब चम्मच की मदद से हम इसको निकाल लेते हैं एकदम धीरे धीरे कर इसको थोड़ा सा अब 10 मिनट के लिए ठंडा होने के लिए रख सकते हैं। देखिए ये निकल चुकी है, ये कितनी सॉफ्ट लग रही है आप देख सकते हैं। अब हम इसको एक बार कट करके देख लेते हैं कि इसके अंदर स्टफिंग कैसी है। ये देखिए कितनी अच्छी लग रही है। ये आप जो है वेट लॉस में यूज़ कर सकते हैं, इससे आपका जो है वो वेट नहीं बढ़ेगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।